तो हेलो दोस्तों, कभी कभी स्मार्टफोन हैंग हो जाता है, तो हैंग होने के बाद टच भी काम नहीं करता है और मोबाइल ऑफ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में जानेंगे जब कोई स्मार्टफोन हैंग होने के बाद टच भी काम नहीं करता है और पावर स्विच भी काम नहीं करता है, तो ऐसा स्मार्टफोन को कैसे हम लोग उसको बंद करेंगे। बंद करने के लिए एक अच्छा तरीका, तो देखिए, इस मोबाइल में टच काम नहीं करता है और पावर स्विच भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसी कंडीशन में आपको तीनों बटन को एक साथ दबा के रखना पड़ेगा, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप और पावर बटन को एक साथ दबा के रखेंगे तो आपका ये सेट रिबूट लेगा। जब तक ये आपका सेट रिबूट नहीं लेगा तब तक तीनों बटन को एक साथ दबा के रखना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो मेरा सेट फिलहाल ऑन हो चुका है, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए। फिलहाल ये जो मेरा सेट टच काम कर रहा है और सब कुछ वर्क कर रहा है। तो इसी तरह कोई भी स्मार्टफोन का हैंग मोबाइल को रिबूट कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।